सुम्मू खाई में गिरी इस दुर्घटना में करीब 13 लोग घायल हो गए। मामला रियासी जिले की तहसील चसाना का है। यहां पर कुंदरदान से ममनकोट की तरफ जा रही एक सुमो JK 20 7609 नंबर जिस सुमो का था वो गहरी खाई में गिर गई और इस दुर्घटना में करीब 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बुद्दल PSC डिस्ट्रिक्ट रजौरी में ले जाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के बाद ये जानकारी मिली है कि आगे GMC रेफर भी कई सारे घायलों को किया गया है। मामला तहसील चसाना का है। यहाँ पर कुंदरदान से ममनकोट की तरफ जा रही सुम्मो गहरी खाई में गिर गई और इसमें करीब 13 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि सुम्मो जो थी वो ओवरलोड थी और हो सकता है उसके ऊपर भी लोग बैठे हों, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये जानकारी जो मिल रही है कि ओवरलोड सुम्मो थी और कुंदरदान ममनकोट में गहरी खाई में गिरने से 13 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की जो पहचान है वो आपको बता दें, रियाज अहमद ममनकोट के रहने वाले हैं। ज्यादातर जो घायल हैं वो सभी घायल तहसील चसाना के रहने वाले हैं और इनमें से ज्यादातर घायल जो है वो ममनकोट के रहने वाले हैं। रियाज अहमद ममनकोट, तारिक हुसैन ममनकोट, मोहम्मद इरफान ममनकोट, इशरत नाज ममनकोट, अब्दुल रहमान ममनकोट, मुबारक हुसैन ममनकोट, मोहम्मद यूसुफ ममनकोट, मोहम्मद फारूक शेरगढ़ी, ये शेरगढ़ी के रहने वाले हैं। और इसके साथ ही जुल्फिकार अहमद नंदकोट के रहने वाले हैं ये, और जैतून बेगम ये ममनकोट की रहने वाली हैं, जानती बेगम ये तहसील चसाना की ही रहने वाली हैं। एग्जैक्ट एड्रेस जो है इनका अभी जानकारी नहीं मिली है। मोहम्मद शहवाज ये भी तहसील चसाना के ही रहने वाले हैं, और नाजिया अख्तर ये ममनकोट तहसील चसाना की रहने वाली हैं। तो 13 के करीब लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। कुंदरदान से ममनकोट जा रही सुमो गहरी खाई में गिर गई और इस दुर्घटना में 13 लोग जो घायल हुए थे उन्हें बुद्दल के PSC हॉस्पिटल में ले जाया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया। यहाँ पर उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद कई सारे घायलों को बेहतर इलाज के लिए GMC रजौरी शिफ्ट किया गया है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि घायलों की जो संख्या है वो कुछ ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक सामने आया है उसमें 13 लोग ही बताए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि ये सुमो जो है वो ओवरलोड हो और इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।